प्रभाव के लिए प्रतिरोध करते हैं। जीवाणुओं की कोशिका द्रव्य झिल्ली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को समीप से देखने पर ये प्रोटीन परिवहन के कई चैनलों की उपस्थिति को दर्शाता है। इन्हें एफ्लक्स पंप कहते हैं। जब एंटीबायोटिक जीवाणु के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये इसी पंप के द्वारा बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार जीवाणु एंटीबायोटिक के कार्य का प्रतिरोध करते हैं। इस घटना को औषधि प्रतिरोध कहते हैं। बैक्टीरियम एंटीबायोटिक्स का कई तरह से प्रतिरोध करते हैं। सिर पर आ रहा है सीधे अपने एंजाइम। अन्य प्रकार का ड्रग प्रतिरोधी जीवाणु एक नष्टकारी एंजाइम का स्राव करता है जो एंटीबायोटिक के साथ बनता है और उसकी संरचना को सजग करता है। ये परिवर्तन एंटीबायोटिक को निष्क्रिय बनाता है। इस प्रकार प्रतिरोधी जीवाणु अप्रभावी रहता है तथा नए प्रतिरोधी जीवाणुओं का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप रोग शरीर में फैलने लगता है। कभी कभी हमें हरे पौधों के पत्तियों पर कुछ छोटे हरे कीट दिखते हैं। ये एफिड या ग्रीन फ्लाई होते हैं। एफिड लंबे पतले पैरों से युक्त कोमल शरीर और आहार नाल रखते हैं। अब हम पत्ते की कोशिकीय संरचना देखेंगे। इस कीट का सबसे महत्वपूर्ण अंग इसके चुभने और चूसने वाले मुखांग होते हैं जिन्हें स्टाइलेट कहते हैं। एफिड अपने नलिकाकार मुखांगों का उपयोग पत्तियों को छेदने में करते हैं। जब ये रस की उच्च दाब वाले फ्लोएम वाहिकाओं में छेद करते हैं तो रस पंप से होकर इसके आहार नाल में आ जाता है। इस प्रकार एफिड अक्रिय रूप से पौधों की फ्लोएम वाहिकाओं में बहने वाले रसों को चूसता है। ये क्या रहा? उल्टा कहीं से पिला रहा? जा सकेगा। पेड़ों को बचाने के लिए चिट्ठी और पोस्टकार्ड लिखने के बजाय ईमेल करना बेहतर है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी जीवाणु इसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। और जब प्लास्टिक को खत्म करने के लिए वो वीडियो चलते जाते पूरा एक चक्कर मारता लग रहा है। सामने आ रहा है, उल्टा चला रहा है ना ये लड़का। ले लिया हो। हेलो लगा दो भाइयों। एक बार होगा तो मुश्किल होगा। कैसे घूम रहे हैं? फिर नहीं घूम रहा है, मैं घुमा रहा हूँ। चल घुमा इधर। अरे घुमाने वाला है तो आगे ले जाना। अब तो ऐसे घूमगी, पहले से ऐसे घूम रही थी मैंने। चल इसको आगे ले जाओ सीधा। ऐसे घूमने ऐसे सीधा करो। तू पैडलिंग भी मार ना। घूमने दे, सीधा करो, सीधा कर। अभी और चलने दे, सीधा चलने, सीधा चलने, सीधा चलने दे। इधर मोड़ना मत, मोड़ना मत। इधर देखो, मोड़ के दिया। नहीं सीधे तो जाने में तो मोड़ा ही नहीं। इधर मोड़, आप जाओ ना उधर। अरे ऐसे मोड़ो ना फिर, ऐसे खींचो। हाँ तुमको पता ही चल रहा है, समझ में आ गया। पतवार अब सीधा करना तो ऐसे जाएगा। सीधा रखो, सीधा। इधर मोड़ना तो इधर करेगा, इधर मोड़ो। हाँ जाने दो, जाने दो। रस्सी रस्सी नहीं है थोड़ा। अब फोटो खींच लो ना। खींच लिया दो, जाने दो बाबा, जाने। चलो ठीक है मम्मी, हंसो। हाय बाय रेनू। जरा देखो, उधर देखो बोट। अरे ये तो कह रहा है।